करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से हमको यहाँ पर लगातार एक अपडेट में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर लोअर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमारे स्टॉक में एक इसकी ट्रेंड ड्रॉ करते हैं हम देखेंगे जो स्टॉक है ये लगातार अपने इस ट्रेंड को फॉलो करते ऊपर जा रहा है। लास्ट टाइम स्टॉक ने ऐसा सपोर्ट लिया हमको स्टॉक में लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आज हमको यहाँ पे स्टॉक में 3.32% की यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के साथ हमको स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक जो है पिछले कुछ समय से 113 का जो लेवल है इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के साथ ही हमको स्टॉक में यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिला। अब यहाँ से हम अगर स्टॉक में बात करें अब यहाँ से हमारे पास स्टॉक में 123 का जो लेवल है ये ऐसा नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हमको स्टॉक में 134, इसके बाद हमको स्टॉक में 143 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 151 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 113 का जो लेवल है ये ऐसा सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो 111 और फिर इसके बाद हमको स्टॉक में फिर 109 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स नहीं है। वीडियो के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए धन्यवाद।